हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिले भर के पेट्रोल पंप 10 अप्रैल को रहेंगे बंद। सिरोही पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तत्वावधान में होगी हड़ताल। हड़ताल को सफल बनाने को सौंपी जिम्मेदारियां, अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री रोकने व पेट्रोल डीजल पर वेट गुजरात के समान करने की मांग। डीजल परिवहन व भंडारण सीमा 2500 लीटर से 500 लीटर करने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर व एसपी को 10 मार्च को सौंपा था ज्ञापन। 10 अप्रैल को एक दिवसीय बंद व 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन बंद की दी थी चेतावनी। सिरोही पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की ओर से जिले में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ की बिक्री रोकने व पेट्रोल डीजल पर वेट गुजरात के समान करने की मांग के चलते 10 अप्रैल को जिले भर के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। एक दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के लिए आज एसोसिएशन के पद अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गयी। जिले व जिले की पांचों तहसील आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, रेवदर व सिरोही में एसोसिएशन के पद अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गयी है। जिले भर में बायोफ्यूल की अवैध बिक्री, बेस ऑयल, मिनरल ऑयल व सफेद ऑयल की बिक्री करने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने, कानूनी कार्रवाई करने, पंजीयन प्रमाण पत्र में ईंधन की टंकी की क्षमता में बढ़ोतरी करने वाले के खिलाफ मोटर व्हील एक्ट 1989 की धारा 126 के चालान करने, जो वाहन पेट्रोलियम तस्करी में संलिप्त पाए जाए उसके विरुद्ध आबकारी विभाग के तहत भारी शास्ति अधिरोपित करने। जिले में बिक रहे बायोडीजल, बेस ऑयल, मिनरल ऑयल व अवैध डीजल से राज्य के राजकोष को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने। जीएसटी व अवैध रूप से इन उत्पादों की बिक्री रोकने। जिले में पाली में एसआर डिपो के आसपास होटलों पर पेट्रोलियम उत्पाद की अवैध बिक्री रोकने। सिरोही जिले में अन्य स्थानों पर व होटलों पर भी तस्करी के माध्यम से हो रही बिक्री रोकने। अवैध बिक्री में राजकोष को पहुंच रहे नुकसान को रोकने। सुरक्षा के कोई मापदंडों से खिलवाड़ को रोकने। अनाधिकृत बावजरों के माध्यम से खुलेआम आबादी क्षेत्र में व सड़कों पर की जा रही आपूर्ति रोकने की मांग के चलते 10 अप्रैल को जिले भर में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। सिरोही पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन की ओर से जिला अध्यक्ष संदीप जायसवाल के नेतृत्व में गत 10 मार्च को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन सौंपा गया था। राज्य में डीजल रेट गुजरात राज्य के समक्ष प्रतिशत करने व डीजल परिवहन व भंडारण सीमा 2500 लीटर से 500 लीटर करने, बायोडीजल, मिनरल ऑयल, बेस ऑयल ड्रॉप इन फ्यूल को प्रतिबंध करने की मांग की गई थी। मांग के समर्थन में कार्रवाई नहीं होने पर 10 अप्रैल को राज्य में एक दिन बंद रखने व 25 अप्रैल से राज्य में अनिश्चितकालीन बंद रखने की चेतावनी दी गई थी। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए संदीप जायसवाल, जिला अध्यक्ष सिरोही पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, इन्होंने ये कहा। पूरे राजस्थान में पेट्रोल डीजल पंपों की सांकेतिक हड़ताल है, जो कि सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक रहेगी। हमने पूर्व में भी मांग की थी कि केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि ये जो टैक्सेस हैं, वैट और एक्साइज ड्यूटीज को कम किया जाए, इससे हमको तो राहत मिलेगी गुजरात से और हरियाणा से रेट कंपेयर करने में, और आम पब्लिक को भी राहत मिलेगी। इसके समर्थन में हम 10 तारीख को सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक न तो पेट्रोल डीजल खरीदेंगे न बेचेंगे, और हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम आगामी 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाएंगे, जो कि हमने हमारे पूर्व में दिए गए ज्ञापन में सरकारों को अवगत करा दिया गया था। धन्यवाद। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।